कि मैं अपने अजीज भाई सुनील केलब को बुलाना चाहता हूं सामने एक गवाही के लिए, जो खुदावंद ने भाई के जीवन में एक महान गवाही को उपजाया। सबको प्रेज द लॉर्ड। और मैं खुदावंद का बहुत धन्यवाद देता हूं कि खुदावंद ने अपने भवन में आने का मौका दिया और एक मौका दिया कि मैं उसकी तारीफ कर सकूं। और पिछले दिनों खुदावंद ने मुझ पर, मेरे परिवार पर यह अनुग्रह किया कि मेरी बेटी का एडमिशन एक बढ़िया कॉलेज में और एक बढ़िया कोर्स में हो सका। और मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ आपको। ऐसा था कि जब वो 12वीं में थी तो मैं थोड़ा सा चिंतित था, क्योंकि पहले के दो साल खराब हो गए थे कोविड में और पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो गया था बच्चों का। तो मैं सोच रहा था कि आगे क्या होगा इसको। हमने सोचा था इंजीनियरिंग में करने के लिए। तो ऐसा हुआ कि 12वीं का भी काफ़ी सारा टाइम लॉकडाउन में निकल गया था, तो यही टाइम था पिछले साल सितंबर अक्टूबर का। तो मैंने सोचा, और कई लोगों ने भी कहा कि भाई कुछ कोचिंग वगैरह ज्वाइन करवाओ आप, तभी ताकि तैयारी कर पाए। तो ऐसा हुआ कि उस समय बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आने लगते हैं आपके पास कि हमारा ये पैकेज ले लीजिए और ये वेदांता का है, ये बायजूस का, आकाश का। तो ऐसा हुआ, एक बायजूस का कंसल्टेंट आ गया हमारे घर पे और उसने कहा कि आप हमारे वो देख लीजिए कैसे कैसे हैं हमारे कोर्स। तो उसने बहुत सारे प्लान बताए कि ये 2 लाख का है, 2.5 लाख का, 3 लाख का कोर्स और ये ऐसे करके। तो मैंने कहा भाई अब तो 6 महीने बचे एग्ज़ाम के लिए और मतलब कैसे आप कोर्स कंप्लीट करवाओगे और ये सब। और कह रहा नहीं, हमारी बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेज होती हैं और ये होता है वो, सैटरडे संडे और ऐसे करके उसने बताया ऐसे क्लासेज होती हैं। तो मैंने उसको कहा कि भाई संडे को हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप कुछ ऐसा बताओ जिसमें। कह रहा क्या वो कोई और कोचिंग कर रही है संडे को? मैंने कहा हाँ, वो इससे आगे की तैयारी कर रही है। और खैर उसका कोई भी प्लान फिट नहीं बैठा, क्योंकि हर एक में संडे को कह रहे हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम बच्चे को दे सकें। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप कोई ऐसा प्लान बताओ जिसमें हम अपने हिसाब से कर सकें तैयारी, और कुछ ऐसा है आपके पास? तो कह रहा कि हाँ, एक कोर्स होता है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर हम दे देते हैं और स्टडी मटेरियल दे देते हैं, आप अपने हिसाब से। मैंने कहा ठीक है, ये सबसे बढ़िया है, आप वो बताओ। तो वो सबसे बेसिक था, सस्ता में भी हो गया। और उन्होंने 25-25 किलो के 2 बंडल बुक्स के भेज दिए और क्लासेस वगैरह भेज दी। और पता नहीं बुक्स वगैरह का कितना फ़ायदा मिला उसको, नहीं मिला, क्योंकि मैं देखता था कि वो जिस तरीके से 12वीं के बच्चों को या एंट्रेंस के लिए जो तैयारी करते हैं वैसा मैं उसको देख नहीं पाता था। क्योंकि रात में भी मैं देखता था, वो सो जाती थी 11 बजे 11:30 बजे और सुबह जब तक मैं ड्यूटी जाने का टाइम होता था तब तक उठती भी नहीं थी वो। तो मैं सोचता था पता नहीं कैसी तैयारी चल रही है इसकी। खैर जो भी है, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चाहे प्री बोर्ड के एग्ज़ाम थे, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई सा भी एग्ज़ाम आया, मैंने देखा उसने कभी भी कोई मीटिंग मिस नहीं करी। इवन 27 जून को जेई मेंस का एग्ज़ाम था और 26 जून को ग्रुप 1 और 2 की संडे को यहाँ पे बारी थी अटेंड करने की। वो कह सकती थी कि मेरा एग्ज़ाम है कल मंडे को, तो मैं तैयारी करनी है और कुछ भी। लेकिन मैंने देखा पूरे दिन उसने चर्च अटेंड किया। हमने कभी फोर्स नहीं करा कि आप मीटिंग जाना है या नहीं जाना है, उसके ऊपर ही छोड़ा। और उसने ये डिसीज़न लिया कि मैं चर्च जाऊँगी, और मैं जानता हूँ कि खुदावंद ने इसका प्रतिफल उसे दिया। तो मैं अपने पढ़ने वाले बच्चों से कहूँगा कि अगर हम अपनी 2-3 घंटे की पढ़ाई छोड़ के अगर ये वाली पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा प्रतिफल हम ले पाएंगे। खुदा का बहुत नाम मुबारक हो। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसका अच्छा रिजल्ट रहा और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया फिर एडमिशन के लिए हमने इधर उधर फॉर्म वगैरह भर दिए। और ऐसा हुआ कि 28 सितंबर को इसका रिज़ल्ट आना था और उस पर पहले दिया हुआ था कि 2 बजे हम रिज़ल्ट जो होगा अपलोड हो जाएगा ऑनलाइन। हम चेक करते रहे, 2 बज गया, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर वहाँ पे टाइम चेंज हो गया कि 5 बजे रिज़ल्ट अपलोड होगा, 5 भी बज गया,
फिर वहाँ पे आ गया 10 बजे अपलोड होगा, 10 भी बज गया, कुछ नहीं हुआ। तो हमने कहा भाई अब सो जाओ, कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे। और हम मैं सुबह जैसे डेली होता है उठा, तैयार होने लगा, महिमा को उठाया, मैंने कहा भाई तू, मैं लेट हो रहा हूँ, तू जरा अपना रिजल्ट तो चेक कर क्या हुआ। तो इसने चेक करा, बताया पापा ये आ गया मेरा। तो जिस दिन रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट डे ही वहाँ पे रिपोर्टिंग थी 10 बजे, और सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह वेरिफिकेशन के लिए हमें वहाँ पे जाना था। मैंने कहा फटाफट तैयार हो जा बेटा, चलते हैं। और चले गए वहाँ पे। जाने के बाद सबसे पहले जो उनको चाहिए होता है वो फीस का वो रिसिप्ट चाहिए होता है एडमिशन के लिए। तो हम गए वहाँ पे, हमने सोचा फीस वीस सबमिट करते, फीस भी ऑनलाइन सबमिट करनी थी। और आप जानते हैं सरकारी साइट का जब ऐसा टाइम आता है तो वो घूमती रहती है बस। तो ऐसा हुआ कि फीस, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी, हमने छोटी सी दुआ करी और हमारा काम बिल्कुल आसानी, आधे घंटे हम भी परेशान हुए लेकिन इजीली हो गया, रिसिप्ट वगैरह सब मिल गई और हम लेके वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पे बहुत लोग पहुँचे हुए थे, जिन जिन का नंबर आया था बहुत सारे लोग थे, 400-500 लोग थे, माँ बाप के साथ और ज़्यादा हो जाते हैं। तो भीड़ लगी हुई थी, लोग बाग उनसे लड़ रहे थे जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे कि भाई आपने 4 बजे सुबह तो अपलोड करा रिज़ल्ट, हम तो पूरी रात सोए नहीं, और ऐसे है वैसे है, और अब 10 बजे आपने यहाँ पे रिपोर्टिंग रख दिया, और ये कैसे करें। खैर हमने वहाँ पे महिमा को अंदर भेजा, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स को अलाउड नहीं था, बच्चे को खाली अंदर भेजा। तो वहाँ पे उसका जो भी होना था हुआ, मैं बाहर दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदावंद आराम से हो जाए काम। और विद इन 2 आवर्स वो एडमिशन लेटर हमारे हाथ में था, जहाँ पे लोग वहाँ बहुत परेशान हो रहे थे और लड़ाई कर रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं मिल पा रहे थे, वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही थी, फीस किसी की सबमिट भी हो गई तो उसकी रिसिप्ट नहीं निकल रही थी, लेकिन मैंने देखा खुदावंद ने हमारा काम बिल्कुल। और इन सब के बाद जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो मेरा एक कुलीग है जूनियर मेरा, वो कह रहा सर मैं एक बात कह सकता हूँ आपको। मैंने कहा भाई क्या? कह रहा मैंने बहुत सारे काम होते हुए देखे, मैंने खुद बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, और लेकिन जिस तरीके से और जिस आसानी से आपका काम हो गया, एक बात मैं कह सकता हूँ। मैंने कहा क्या भाई? तो कह रहा या तो महिमा जो है वो बहुत लकी है। मैंने कहा यार मैं तो लक वक पे विश्वास करता नहीं हूँ। कह रहा या फिर जो आपका गॉड है वो आपका बहुत फेवर करते हैं। मैंने कहा भाई यही बात है। वो हिंदू लड़का था और कह रहा ये मैंने नोटिस करा आपके अंदर। मैंने खुदावंद का ही नाम मुबारक हो, खुदावंद के नाम, हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। खुदावंद एक को उठाते हैं, जब खुदावंद बरकत देते हैं तो खुदावंद एक को उस शख्स को उठा देते हैं। आमीन, खुदावंद फेवर करते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो इस प्यारी गवाही के लिए। खुदावंद भाई को बड़ी बरकत दे। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, उस कोरस को गाएंगे हम, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल।